तमिलनाडु में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन मेंडूस अब दक्षिण आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ गया है। राज्य से जाते जाते मेंडूस ने भारी तबाही मचाई। कई जिलों में तेज आंधी की वजह से सड़कों पर पेड़ जड़ से उखड़ गए। चेन्नई के टी नगर इलाके में मोटी दीवार गिरने से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भारी बारिश से कई जिलों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, वहीं कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश जारी है। हालांकि शुक्रवार देर रात साइक्लोन मामल्लापुरम तट से टकराने के बाद कमजोर हो गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए 13 जिलों में रविवार तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्रेटर चेन्नई कारपोरेशन ने साइक्लोन मेंडूस के कमजोर होने तक लोगों को बाहर आने से बचने का अनुरोध किया है। चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 1891 से लेकर 2021 तक यानी 130 सालों में 12 चक्रवात आ चुके हैं और यह 13वां चक्रवात है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन कमिश्नर ने मेंडूस साइक्लोन के खतरे को देखते हुए लोगों से पेड़ों के पास अपनी गाड़ियां पार्क करने को मना किया है। वहीं सभी पार्क और प्लेग्राउंड बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही लोगों को शुक्रवार और शनिवार समुद्र के किनारे न जाने को कहा गया है। सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में भी साइक्लोन की वजह से तेज बारिश जारी है। शुक्रवार को प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुमाला तिरुपति में बारिश की वजह से अफरा तफरी मच गई। तूफान के असर से 48 से 56 घंटे तक बारिश जारी रह सकती है। इस दौरान तेज हवाओं से पेड़ों और मकानों को नुकसान भी पहुंच सकता है, लिहाजा प्रशासन ने गुरुवार से लेकर रविवार तक के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को समुद्र तट से दूर रहने और प्रशासन की सलाह पर अमल करने को कहा गया है। चक्रवाती तूफान मेंडोस का नाम संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने दिया है। अरबी भाषा में इसका अर्थ खजाना है। इस साल मानसून के बाद बंगाल की खाड़ी में यह दूसरा तूफान है। इससे पहले अक्टूबर में बांग्लादेश के तट पर सितरांग तूफान आया था।